ओला कैब ड्राइवर हत्याकांड का खुलासा। प्रयागराज पुलिस ने ओला कैब ड्राइवर की सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए घटना में शामिल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गौरतलब है कि 11 मई की देर रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से ओला कैब बुक कराया गया। 12 मई की सुबह तक ओला ड्राइवर के घर वापस न आने पर तथा मोबाइल पर भी संपर्क न होने पे परिजनों ने कैंट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद कैंट पुलिस जांच में जुट गई। 13 मई की दोपहर में सराय इनायत थाना क्षेत्र में एक युवक का अधजला शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने गायब ओला ड्राइवर के रूप में शव को पहचान की। वहीं इस सनसनीखेज घटना को लेकर प्रयागराज पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी। इसी बीच आज पुलिस को सर्विलांस और मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ओला कैब ड्राइवर की हत्या की घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी शहर के चौफटका इलाके में मौजूद हैं, जो कि कहीं भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसी बीच पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 2 अदद चाकू व मृतक का मोबाइल फोन ओला कैब वैगन आर कार को बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि हम तीनों लोगों ने मिलकर ओला कैब कार को बुक करके शहर से दूर ले जाकर ड्राइवर को मारकर लूटने की योजना काफ़ी पहले बनाई थी, जिसके लिए हम लोग लगातार स्टेशन और उसके आसपास लगातार एकत्र होते रहे। इसी बीच 11 मई की देर रात्रि ओला कैब UP 70 GT 8523 को बुक किया, जिसमें चालक के बगल में एक युवक, दो अन्य पीछे की सीट पर बैठ गए। रेलवे स्टेशन से कार को हंडिया सराय इनायत क्षेत्र में ले गए, जहां पर योजना अनुसार एक ने कैब को पेशाब करने के बहाने रुकवाया और पीछे बैठे युवक ने ड्राइवर के गले में फंदा डाल दिया, जिसके बाद दोनों ने ड्राइवर पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर शव को कैब की पिछली सीट पर डालकर सराय इनायत थाना क्षेत्र के मुमतजीपुर के पास झाड़ियों में फेंक दिया। ड्राइवर के पास 700 रुपये, 2 अदद मोबाइल और ओला कैब कार को लेकर फरार हो गए। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। SSP अतुल शर्मा ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों की फिलहाल ये पहली घटना बताई जा रही है। इनके द्वारा किए गए घटना से ऐसा लगता है कि ये इनकी प्रारंभिक घटना है। अंतर्गत ये एक घटना हुई थी, जिसमें ओला कैब ड्राइवर के साथ सनसनीखेज हत्या करके उसमें जितने उसकी बॉडी को कहीं छोड़ दिया गया था, झाड़ियों में फेंक दिया गया था। इस घटना का आज खुलासा किया गया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू, 1 अदद मोबाइल फोन, बुक की गई ओला कार, डेड बॉडी और इसके साथ साथ जो घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल है वो भी बरामद की गई है। ये तीन अभियुक्त हैं, निखिल सेन, मुकेश कुमार और रजनीश सिंह। इन सभी की एज 20-21 साल के आसपास है और इन्होंने इसको ड्राइवर को मार करके लूटने की योजना बनाई थी। बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पे क्राइम वाले हैं। इन्होंने इसको जो एक व्यक्ति मुकेश था वो पीछे बैठा था, जिसने गले में फंदा डाला था, और आगे जो निखिल सेन थे और दूसरा साहिल था, इन लोगों ने रणवीर सिंह और साहिल, इन लोगों ने इसके ऊपर चाकू से प्रहार करके उसे निश्चित कर दिया और उसके बाद उसकी बॉडी को झाड़ियों में फेंक करके गाड़ी को लेकर के गए और भुवनगंज के आसपास उसे छोड़ दिया। घटना में कुल मिलाकर इन्हें केवल 700 रुपये और 2 मोबाइल मिले थे। ये बड़ी ही घटना, इस प्रकार की दुखद घटना है जिसमें छोटे से अमाउंट के लिए किसी एक व्यक्ति की जान ले ली गई। और ये हमारे समाज को आपके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कृपा करके इन घटनाओं के प्रति थोड़ा सजग हों और इस तरह की चीज़ों को बचाने में पत्रकारों के माध्यम से हमारा सहयोग करें। 700 रुपये के लिए, हाँ मतलब लूट जो हुई है वो 700 रुपये और 2 मोबाइल फोन लेने के। ये खबर जगत 24 न्यूज ब्यूरो प्रयागराज।